बच्चों क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। ये अपडेट एक्चुअली में कल देर रात मेरे पास में पहुंचा था, लेकिन थोड़ा सा इसको कंफर्म करना जरूरी था, इसलिए मैंने कल ये अपडेट आपको लेट इवनिंग नहीं दिया और अभी मैं आपको ये दे रहा हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 12th को लेकर के काफ़ी उलझनों में है और तीन ऑप्शंस पे विचार शुरू हो चुके हैं, तीन ऑप्शंस पे बहुत डिस्कशन चल रहा है और दोनों बोर्ड कहीं ना कहीं आपस में समझ लीजिए कि कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में हैं। ठीक है, आपको पता है आईसीएसई ऑलवेज फॉलो करता है सीबीएसई को, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है जब सीबीएसई अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, मतलब वहाँ पे भी केस दायर है, तो वो और भी विकल्प तैयार करने की कोशिश में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो वो अपना पक्ष कुछ रख सकें, उनके पास बताने के लिए कुछ हो। तो गाइज अभी मैं आपको बता दूँ, तीन ऑप्शंस की बात खबर सामने निकल कर के आ रही है जिसपे सीबीएसई और CISCI दोनों बोर्ड जो हैं इस पे विचार कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के, जिसपे एजुकेशन मिनिस्टर पूरी तरह से राजी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम कैंसिलेशन का बात उठा है क्योंकि COVID-19 की जो स्थिति है वो सही नहीं है और साथ ही साथ में जो डॉक्टर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं या एकेडमियंस हैं उनका कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत उठा है। पिछले सप्ताह हमने देखा, यही मंडे ट्यूसडे को हमने देखा था, मैंने आपको अपडेट दिया था कि फेमस मैथमेटिशियन जो हैं, स्कॉलर विद्वान जो बोलिए, आनंद सर, सुपर 30 के आनंद सर, उन्होंने भी क्लास 12th एग्जाम कैंसिलेशन को बिल्कुल जायज़ ठहराया था। न्यूज़ चैनल्स में भी उन्होंने बैठ करके इस चीज़ का उन्होंने अपना इंटरव्यू में दिया कि अभी एग्जाम्स नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है सीबीएसई सीआईएसई दोनों बोर्ड्स पर। तो पहला जो ऑप्शन निकल करके आया है वो एग्जाम कैंसिलेशन, दूसरा निकल रहा है कि क्या कोई अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के द्वारा उनको मार्क्स दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट ममता शर्मा जी ने जो पीआईएल दाखिल किया है एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के, उसमें उन्होंने भी ऐसा ही मांग किया है कि एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं और ऑब्जेक्टिव कोई क्राइटेरिया मेथड लेते हुए, अल्टरनेटिव मार्किंग स्कीम लेते हुए उसमें बच्चों को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन रखा गया है कि मतलब जिस पे बातें चल रही हैं कि शॉर्ट एग्जाम कुछ कर लिया जाए और उसके बेसिस में मार्क्स बच्चों को दिए जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि एग्जाम कैंसिल करके पिछले एग्जाम्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स देने पर भी विचार चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि CISCI ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बड़ा अपडेट दे रहा हूं, उन्होंने अपने सभी एफिलेटेड जितने भी स्कूल हैं CISCI बोर्ड से, सभी स्कूलों को एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि वो क्या करें कि वो जल्द से जल्द, एक तारीख भी निश्चित कर दिया गया है, 7 जून तक उन्हें अपने स्टूडेंट्स का, यानी कि CISCI बोर्ड वाले, क्लास 12th वाले बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का, क्लास 11th का और क्लास 12th का जो मार्क्स है उसका एवरेज जो है वो अपलोड करना है, जमा करना है CISCI बोर्ड में। तो मतलब कहीं ना कहीं CISCI बोर्ड भी जान रही है कि एग्जाम लेना आसान नहीं होगा और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट खड़े हो सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से हमें एक पॉजिटिव साइन तो मिला ही था बच्चों, क्योंकि जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी ने एडवोकेट ममता शर्मा जी का जो हियरिंग हो रहा था और कुछ देर जारी रहा और उसके बाद में 31 मई तक के लिए उसे एडजर्न कर दिया गया, उसमें एडजर्न करने से पहले उन्होंने एक कमेंट किया था एडवोकेट ममता शर्मा जी को, कहा था उन्होंने कि आशावादी रहें, मंडे तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है। तो गाइज अभी जो लेटेस्ट अपडेट था मैं आपको पल पल का अपडेट दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में निकल करके आ रही है, और कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है, बहुत ज़रूरी है, यूनिटी हमारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें मुझे कुछ एक पॉइंट जो है वो मेरे साथ शेयर किया गया है किसी के द्वारा, बहुत पॉपुलर है वो, तो उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वी आर यूनाइटेड। जय हिंद, जय भारत।